हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, पिछली क्लास हमारी यहीं पर रुकी थी, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ए किसी कार्य को एक्स दिनों में, ए किसी कार्य को कितने दिनों में भाई, एक्स दिनों में पूरा कर सकता है, और बी व ए यानी ए व बी मिलकर उसी कार्य को वाई दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी फैक्ट क्या है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है और दो व्यक्ति मिलकर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है वह व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में अकेला करेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने जब एक दिन का देखा, ए किसी कार्य को एक्स दिनों में करता है, अर्थात ए की एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, ए के द्वारा एक दिन का कार्य, ए के द्वारा एक दिन का कार्य 1/x। फिर कह रहा है ए व बी के द्वारा एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा, 1/y। यानी ए अकेला एक दिन में करता है 1/x, ए व बी मिलकर एक दिन में करते हैं 1/y। फिर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बी के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, अकेला भाई कितना करेगा। ठीक है, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम जानते हैं कि जब ए व बी का काम दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी इन दोनों का काम दिया हुआ है, इन दोनों के काम में से अगर हम ए के कार्य को घटा लें तो जो बचेगा वह बी का ही तो बचेगा, बी का ही बचेगा, अर्थात ए व बी के द्वारा किया गया कार्य 1/y माइनस ए के द्वारा किया गया कार्य 1/x। इसको सॉल्व करेंगे, x/y यानी इसका जब लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, xy क्या हो जाएगा भाई, x और y लसा आ गया। जब xy लसा आ गया तो हम करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल आउट, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बच जाएगा, माइनस x से x कैंसिल आउट, बचा y, y का मल्टीप्लाई, यानी a प्लस b का कार्य 1/y, a का कार्य 1/x। ए प्लस बी के कार्य में से ए का कार्य घटा लेंगे तो जो बचेगा वही क्या होगा, वाई का कार्य होगा, इसका कार्य होगा, सॉरी वाई का नहीं, बी का कार्य होगा। अर्थात इसे जब हम सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई दिनों में बी इसे क्या करेगा, अकेला कंप्लीट करेगा। बी इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी इस कार्य को x इंटू वाई अपन एक्स माइनस वाई दिनों में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। देखिएगा एक बार फिर से, a किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है और b व a यानी a व b मिलकर उसी काम को y दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो b अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो हम जानते हैं कि a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y, अर्थात ए व बी का कार्य 1/y, ए का कार्य 1/x। ए बी के कार्य में से ए का कार्य घटा लेंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, बी का कार्य होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, फिर हम इसे इरेज करके अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, जिस फैक्ट को हमने सिद्ध किया है उसी फैक्ट के आधार पर एक सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल हूबहू जो फैक्ट है वही सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए व बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है कि ए किसी काम को अकेला 12 दिनों में करता है, ए व बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए के द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/12। ए व बी के द्वारा एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/8 हो गया ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बी के द्वारा, मतलब बी अकेले उससे कितने दिनों में करेगा, तो हम करेंगे क्या, सेम कंडीशन, ए प्लस बी यानी ए व बी का जो मान होगा उस मान में से ए का मान क्या कर लेंगे, घटा देंगे, यानी 1/12 माइनस 1/8 अपान एलसीएम आएगा कितना, 12 × 24 यानी एलसीएम ले लेंगे 24। ठीक है, अब 12 से 24 में भाग करेंगे, दो बार 2 का 1 में गुणा होगा 2, माइनस इसका इसमें हो जाएगा, एक मिनट,
हाँ माइनस इसका इसमें हो जाएगा 8 3 24 माइनस का 3 माइनस 1/24 यानी इसको सीधा कर देंगे। जब सीधा करेंगे कितना आएगा 24/1। अब कार्य कभी माइनस में होता नहीं, वर्ग कभी भी माइनस में नहीं होता, अर्थात कितना आंसर आएगा 24। कितना आएगा भाई आंसर 24। जो हमने फैक्ट सिद्ध किया था इसमें, जो हमने फैक्ट सिद्ध किया था, हमारा फैक्ट क्या था उस पर एक बार रख के देख लेते हैं। हमने बताया था कि x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई। एक्स हमारा क्या था, a का कार्य था, वाई a व बी दोनों का कार्य था। इस पर अगर हम रख के देखें तो 12 गुणे एक्स का मान 12, वाई का मान 8 अपान 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 8 96 और इधर कितना हो जाएगा 4, 4 से कटा दें, 4 से कटाएंगे तो 4 दुना के 8 और 4 से उपका 16 यानी 24। यानी इस फैक्ट से भी क्या आ गया 24 आ गया, इस फैक्ट से भी आंसर कितना आया 24 ही आया। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी ए व बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, जिसके लिए हमने एक फैक्ट सिद्ध किया, या आप चाहे तो इससे लगा लो, आप चाहो तो इससे लगा लो, दोनों एक ही चीज है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का जो सार निकल के आ रहा है लास्ट में, जो एकदम निचोड़ निकल के आ रहा है, उसी निचोड़ को हमने यहाँ पर उठा के रख दिया। इस पर भी आप लगाएंगे तो भी 24 आएगा, यहाँ भी लगाएंगे 24 ही आएगा, माइनस में आएगा घबराइएगा मत, क्योंकि वर्क कभी भी माइनस में नहीं होता भाई। कोई काम करेगा तो माइनस में करेगा, माइनस में होगा कार्य नहीं होगा, अर्थात कार्य कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि ए व बी मिलकर, ए व बी मिलकर किसी कार्य को, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को, बी व सी मिलकर उसी कार्य को, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में, तथा सी व ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ए व बी का कार्य, तो ए व बी यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 12, यानी इनका जो रेशियो आएगा एक दिन का कार्य कितना होगा एक, यानी 1/12। अगर हम बात करें बी व सी की, किसकी, बी व सी की, तो इनके एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15 1/15। अगर हम बात करें सी व ए का, सी व ए का अगर कार्य की हम बात करें, तो इसका एक दिन का कार्य क्या होगा 1/20। यानी ए व बी मिलकर एक कार्य को, मतलब पूरे कार्य का एक दिन में 1/12 भाग करते हैं, बी व सी मिलकर पूरे कार्य का 1/15 भाग करते हैं, सी व ए मिलकर पूरे कार्य का 1/20 भाग करते हैं अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इससे पहले कि जो हम बी का मान निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यह तीनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर यह डाटा हम निकाल लें कि ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा अगर कार्य हम निकाल लेंगे तो उसमें से सी प्लस ए का कार्य घटा देंगे, अपने आप आंसर क्या आ जाएगा बी का निकल के आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें यहां पर निकालना होगा कि इन तीनों द्वारा किया गया कार्य, यानी ए प्लस बी अपान क्या हो जाएगा 12 प्लस बी प्लस सी अपान 15 प्लस सी प्लस ए अपान 20। यानी इन तीनों लोगों के द्वारा इतना कार्य हो रहा है, यहां पर 15 है 15। अब इनका हम लॉसर लें, एलसीएम कितना आएगा 12 15 20 का 20 23 60 12 25 60 15 24 60 यानी 60। अब यहां से यहां कटाएंगे तो 12 5 60 यानी यहां पर कितना आएगा 5। यहां से कटा दें तो 15 24 60 यहां से कटाते तो 20 23 60 यानी टोटल डाटा निकल के आया हमारा कितना 5 4 9 3 12 यानी कितना आ गया भाई 5 4 9 3 12 यानी 12 बटा क्या आ गया 60 12 बटा के 60। क्लियर, यानी यह तीनों लोग
यह तीनों लोग में अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें ए भी कितनी बार है, ए भी दो बार है, एक बार यहां है एक बार यहां है, बी भी दो बार है एक बार यहां एक बार यहां, सी भी कितनी बार है दो बार है, सी भी दो बार है ना, अर्थात यह जो टोटल वर्क हमारा निकल गया है, इसे हम कटा देते 12 के 12 12 5 7 यानी 1/5 आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a + b + c = 5 क्यों, क्योंकि यह 1/5 में आया, जब सीधा करेंगे यह टोटल कार्य है ना, टोटल कार्य तो यह है, यह तो इनकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, जब क्षमता है या टोटल कार्य है, टोटल कार्य क्षमता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ये टाइम हमारा निकल के आ गया, यानी 2a + b + c = 5 यानी a + b + c = 5/2 तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 5/2 दिनों में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी ए बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी सी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी ए उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 5/2 दिन यानी 2.5 दिनों में क्या कर देंगे, संपन्न कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, जब बात बी की आ रही है तो बी के लिए हम क्या करेंगे भाई, बी के लिए क्या करेंगे, जब बी की बात हो रही है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 5/2, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से ए और सी का माइनस कर लें, ए और सी को घटा देंगे तो बी का कार्य निकल के आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यही निकल के आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 5/2 और माइनस सी प्लस ए का मान कितना है 1/20, पूरे का लसा लेने कितना आ गया 20, 20 से अब 2 में भाग करेंगे, 2 से 20 में भाग करेंगे 10, 10 का 5 में गुणा करेंगे 10 5 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 10 5 50 हो गया, कट जाएगा 1 आएगा 49, इतना दिन नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा गड़बड़ यहां से है, गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहां पर, ये हमारा जो 5 आया ना, केवल 5 नहीं है, यह हमारा 1/5 है, कितना है 1/5 है, जब 1/5 है तो 1/5 जब 2 इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 1/10 यानी कितना हो जाए 1/10, जब मान 1/10 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पर जो हमारा डाटा आएगा वह कितना आएगा 1/10, अब लसा कितना आएगा 20 कटा देंगे, यानी लसा 20 आ गया, 20 में 10 से भाग करेंगे 2 - 1 यानी बराबर कितना आ जाएगा 1/20, अर्थात बी जो हमारा कार्य करेगा, बी अकेला जो कार्य करेगा वह उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला हमारा 20 दिनों में उस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, बी हमारा अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 20 दिन में, देखिएगा एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर से बताते हैं, देखिए कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में, और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12, बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15, सी व ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20 हो गया। अब हम सबसे पहले इन तीनों को ऐसा करेंगे कि हम अगर पूछ दें, या सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तीनों लोग मिलकर एक दिन में या एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो सबसे पहले 1/12, 1/15, 1/20 का लसा लेकर सॉल्व करेंगे, 12/15, 20 का लसा 60 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे, जब जोड़ेंगे घटाएंगे सिंपल गेन की तरह, तो 12/60 आएगा, 12 से 60 को कटा देंगे, 12 = 12, 12 = 60 यानी 1/5, ए बी सी
ए प्लस बी प्लस सी का कार्य करने की क्षमता जो आएगी कितना आएगी, एक बटा पांच। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए भी दो बार है, बी भी दो बार है और सी भी दो बार है, अर्थात इनके जो कार्य करने की क्षमता होगी अब वह दोगुनी है, टू ए है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक बटा पांच, टू इधर इंटू इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी सीधा दो का इस पांच में क्या हो जाएगा गुणा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक बटा दस। तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब बी अकेला पूछ रहा है तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, अगर ए और सी का मान इसमें से हम घटा लें तो बी का मान बच जाएगा, वही हमने किया, ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए को क्या कर दिया, घटा दिया, अर्थात तीनों का कार्य एक बटा दस, इन दोनों का कार्य एक बटा बीस। इसको जब सॉल्व किया यहां से निकल के आ गया एक बटा बीस, अर्थात बी द्वारा किया गया कार्य, या बी उसे अकेले 20 दिनों में, बी अकेले उसे 20 दिनों में संपन्न कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।